बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग जिस मोबाइल का रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है टेक्नो पॉप 3। टेक्नो पॉप 3 का एक जो है लेटेस्ट वर्जन जो 2020 का है उसका रिव्यू करेंगे। और बहुत ही कम कीमत में एक इन्होंने अच्छा मोबाइल निकाला है, लेकिन अच्छा मोबाइल यानी जो भी आप लोगों के कमेंट से ही पता चलेगा कि ये वाकई में अच्छा है, क्योंकि आप लोग इस मोबाइल को यूज़ करते हैं। और इसका रिव्यूज़ मैं करूँगा आज इस वीडियो में, और इसके बारे में डिटेल आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आप मेरी एक बात सुन लें, आप लोगों के लिए बहुत ही काम की बात है। तो वो ये है, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट करके रखे हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि आपके मोबाइल में कौन कौन सी चीज़ आप लोगों को चाहिए, मतलब कि आपको रिक्वायर्ड क्या है, मोबाइल आपको किस तरह का चाहिए, मतलब कि आप किस चीज़ को चलाना चाहते हैं, आपको मसला कहाँ आ रहा है। पहले मिसाल के तौर पे आपको गेम चलाना है फोर्टनाइट, तो आप देखें कि ये गेम चलाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उस मोबाइल के अंदर। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं आप एक पर्चे के ऊपर लिस्ट बना के लिख लें। और जैसे अभी मिसाल के तौर पर आप मेरे इस मोबाइल के रिव्यू की एक वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें आप चेक करते जाएं कि जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आप इस जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ रिव्यू कर रहा हूँ तो उसमें वो चीज़ें हैं या नहीं। अगर वो चीज़ें सारी आपको इसमें मिल रही हैं तो बेहतर है, वरना तो आपको पैसे ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। मिसाल तो सिर्फ दिखावा करना है कि मैंने अगर उसने 20 का लिया तो आप 30 का लो, 30 का लिया तो 40 का लो, तो वो सब चीज़ें बेकार हैं और वो दिखावा में भी आ जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद आप मोबाइल की डिटेल और कीमत वगैरह देखें कि कौन से ब्रांड आपको कम से कम कीमत में, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया दो तीन वेबसाइट्स पे जाकर। और आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा, आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पर दो तीन वीडियो के मैंने रिव्यू भी करें और दो तीन वेबसाइट के रिव्यू भी करें, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कहाँ से चीज़ सस्ती मिल रही है। और मैं ये कहता हूँ कि आप ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करें, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में आजकल रिव्यूज़ वगैरह मिल जाते हैं, लोगों के कमेंट्स राय वगैरह मिल जाती है। यूट्यूब पे वीडियो है तो नीचे आप देखेंगे, जैसे मेरी वीडियो है तो इसके नीचे लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं। पिछली वीडियो में भी लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए थे मोबाइल के बारे में, बताया था कि हाँ ये इस मोबाइल में हमें ये मसला आ रहा था, हैंग हो रहा था, जो भी था। तो मैं खुद कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ आपको इस मोबाइल की डिटेल बताऊँगा पूरी कि इस मोबाइल में ये चीज़ें ये चीज़ें हैं। और इस आपने इसके बारे में जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो इसके कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों को इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस हुआ है। तो अब चलें जी रिव्यू शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या इससे मोबाइल के बारे में क्या सीखते हैं, और देखते हैं कि रिव्यू कैसा जाता है आज का हमारा। तो चलें शुरू करते हैं। तो अब हम करते हैं इस मोबाइल का रिव्यू। तो रिव्यू करने के लिए सबसे पहले मोबाइल का हम देखते हैं ब्रांड कि कौन सी कंपनी का है, उस कंपनी की साख क्या है, मतलब के जो मार्केट में है इसका रख रखाव क्या है। तो उससे ही सबसे पहले मोबाइल का, जब कहते हैं ना कोई चीज़ का ब्रांड देखो, उसका नाम देखो, तो उसी से अंदाज़ा हो जाता है बंदे को कि ये इसकी क्वालिटी है इसकी या नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर आप लोग जूते ख़रीदने जाते हैं तो हर कोई बाटा सर्विस कर रहा होता है, क्योंकि उन्होंने एक अपना ब्रांड बनाया। अपनी एक ब्रांड किस तरह से बनाया, क्योंकि उन्होंने एक क्वालिटी दी है, तो उस लोगों का अब उनके ऊपर एतमाद हो गया। तो इसी तरह से मोबाइल के भी बहुत सारे ब्रांड हैं जो कि अब माने हुए हैं और उनकी रीसेल भी अच्छी है। तो आज हम जिस ब्रांड का रिव्यू कर रहे हैं वो है टेक्नो मोबाइल। और ये टेक्नो मोबाइल का पॉप 3 है। अब हम इसके बारे में जानते हैं, और ये इसी साल लॉन्च हुआ है, ये 2020 में। तो इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताता हूँ। इसमें सिम स्लॉट जो है डुअल सिम लगेगी और माइक्रो सिम भी लगती है इसमें। यहाँ से देख लेते हैं अच्छे तरीके से, आपको पता भी चलता जाएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और रेट इसका आपने यहाँ पे देखा है 9699 रुपये, मतलब कि 9700 रुपये। और बात करते हैं अब इसके कैमरे की। तो कैमरा फ्रंट पिक्सल है इसका, 8 MP LED फ्लैश भी लगा हुआ है इसके अंदर, ये भी एक अच्छी बात है। और बैक कैमरा जो है इसका 5 MP का है, और स्क्रीन का साइज इसका 5.7, मतलब कि 5.5 इंच का इसका स्क्रीन साइज़ है। और वीडियो रेजोल्यूशन है इसकी 720 से कुछ इतनी है।
बल्कि मेरे पास इसकी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, रैम इसमें 1 GB लगी हुई है। सबसे पहले हम इसकी प्राइस देखते हैं। देखें, 9699 रुपये, मतलब कि 9700 में आपको उसके हिसाब से चीज़ें दे रहा है ये। मतलब रैम भी इसकी 1 GB है, लेकिन 1 GB रैम पे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर और गेम वगैरह नहीं चलते, तो वो आप लोगों ने देख लेना कि हो सकता है आपको रिक्वायर्ड 2 GB हो तो आप 1 GB का मोबाइल लेकर फिर आप मसला ना हो जाए आपके साथ। तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है ना। उसके बाद स्टोरेज इसमें 16 GB है, मतलब कि बिल्टन है मेमोरी इसकी। इसके अलावा अगर मेमोरी कार्ड लगा के आप बढ़ाना चाहें तो इसकी जो है स्टोरेज आप बढ़ा भी सकते हैं। बैटरी इसकी 3500 MAh है, जो कि मेरे ख़्याल में अगर आपका यूज़ कम है तो एक दिन आराम से चल सकती है। लियोन की बैटरी है और टॉर्च भी है इसके अंदर। अच्छा, अब इसके देखते हैं कि इसके अगर हम डब्बा खोलते हैं, डब्बे में हमारे को क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो मैं आपको बताता हूँ। एक फ़ोन मिलेगा आपको टेक्नो का, POP 3 का, सही है। और एक चार्जर मिलेगा, एक हैंड फ्री, एक वारंटी कार्ड और एक यूज़र गाइड, ये हमें इसमें मिलेगा डब्बे के अंदर। बैटरी इसकी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, नेट अगर 4G चलाने के आप लोग शौकीन है, मतलब कि नेट की स्पीड तेज़ चाहिए, तो वो इसमें आपको मेरे ख्याल में इतनी नहीं मिलेगी। ये 3G तक सपोर्ट कर रहा है, 2G एंड 3G। उसके बाद है, मदरबोर्ड एंड प्रोसेसर, ये सबसे मेन चीज़ होती है किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल की ना। तो ये है 1.3 GHz का, 1.3 GHz का क्वाड कोर का इसका प्रोसेसर एंड मदरबोर्ड लगा हुआ है इसमें। और इसमें मोबाइल का कलर तो आपको वेरियस कलर मिल जाएंगे। और एंड्रॉयड वर्जन इसका 8.1 ओरियो जियो एडिशन का है। उसके बाद इसकी बॉडी टाइप जो है प्लास्टिक है। इसकी ई वारंटी आपको नहीं मिलेगी, हेडफोन जैक इसमें नहीं मिलेगा, वायरलेस चार्जिंग वो नहीं मिलेगी इसमें। नंबर ऑफ कैमराज, इसमें 2 कैमरे हैं और इसमें FM रेडियो भी हैगा, ब्लूटूथ भी है, गेम बिल्टन है, डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं आगे आपने इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। सेंसर आपको जी सेंसर मिलेगा और वेट इसका 152 ग्राम है, मतलब के आधा पाव के बराबर है। अच्छा, आप दराज से अगर शॉपिंग करते हैं इस मोबाइल की तो आपको मैं एक और बात बता दूं, 6 से 11 दिन के अंदर आपको डिलीवरी मिलेगी और 129 रुपये आपकी डिलीवरी चार्जेज है। अगर आप कहाँ पर रहते हैं देखें, हाँ, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, मतलब कि आप प्रोडक्ट लेने के बाद आप पैसे देना चाहें तो वो भी है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप इनके पार्सल को खोल नहीं सकते। हाँ, अगर फटा हुआ हो तो आप मौसूल ना करें तो वो सही है। जब अगर आपने यानी कि पैसे दे कर ही आप पार्सल को इनके खोल सकते हैं, ये इसमें एक चीज़ है। और इसमें देख लेते हैं, 7 डे रिटर्न है, मतलब कि 7 दिन के अंदर अगर आपको वापसी कराना है या कोई मसला मसाइल है तो आप वापसी करा सकते हैं। चेंज ऑफ माइंड इज़ नॉट एप्लीकेबल, मतलब कि आपका अगर माइंड चेंज होता है, नहीं मुझे ये मोबाइल नहीं दूसरा मोबाइल चाहिए, तो वो इज़ नॉट एप्लीकेबल, वो आपका नहीं माना जाएगा। हाँ, वारंटी कार्ड भी इसमें आपको नहीं मिलेगा। अभी रिव्यूज़ इसके पढ़ लेते हैं। दी प्रोडक्ट इज़ एग्जैक्टली एज़ डिस्क्राइब्ड, इसने 5 स्टार दिए हैं, ये भी सही है। प्रोडक्ट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, वी विल पैक एंड डिलीवर ऑन इट, थैंक्स दराज.pk। रैम कितनी है, रैम 1 GB है। तो इस तरह से अभी इसकी रिकमेंडेशन, प्रोडक्ट डिटेल, रेटिंग भी मैंने आपको बता दी है इस मोबाइल की, और डिटेल के बारे में भी आपको बता दिया है इसमें मैंने। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि ये आप इंस्टॉलमेंट पे लें तो इंस्टॉलमेंट इस टाइम दराज में मुझे इसकी नज़र नहीं आ रही है कहीं पे भी, तो मैंने चेक किया तो इंस्टॉलमेंट इसकी नहीं है, आपको कैश पे ही लेना होगा।
और अब इसको चलते हैं किसी दूसरी वेबसाइट से, इस पर कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर ये चीज़ हमें कितने की मिल रही है और दराज वाले हमें कितने की दे रहे हैं। 9699, मतलब कि 9700 का हमें दराज वाले दे रहे हैं और 129 रुपये इनके डिलीवरी चार्जेज हैं। अब चलते हैं किसी दूसरी वेबसाइट पर। अच्छा, ये दराज वाले हमारे को दे रहे थे 9699, मतलब कि 9700 का और 129 रुपये डिलीवरी के चार्जेस भी ले रहे हैं। तो ये है प्राइस oa.pk, यहाँ से आप देखते हैं ये कि हमें कितने का मिलेगा। हम सारी वेबसाइट का रिव्यू करेंगे, जाहिर सी बात है अब जब बंदा जाता है 2-3 दुकानों पे चेक करता है, इसी तरह हम 2-3 वेबसाइट्स पे जाके अपना चेक करेंगे। ये देखें, 8600 का पड़ रहा है, वहाँ हमें 9700 का पड़ रहा था। अब इसकी देखते हैं कि शिपिंग क्या है। इसमें देखें कलर भी इन्होंने वादे किए हैं, ब्लैक, ब्लू, गोल्ड, पर्पल, टेक्नोपॉप 3, वही है मोबाइल। 16 GB स्टोरेज एंड 1 GB रैम हो गया। 1 ईयर वारंटी PTA अप्रूव करके दे रहा है। 48 आवर में डिलीवरी दे देगा इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी वालों को सिर्फ, और फ्री डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान। 1 GB रैम दे रहा है, 5.7 इंचज डिस्प्ले, 3500 mAh बैटरी, 8 MP बैक कैमरा। अभी ये इस हिसाब से तो अभी हम इसको यहाँ जाते हैं कि ये फ्री डिलीवरी दे रहा है या नहीं, ऑर्डर नाउ करके देखते हैं पहले। अच्छा जी, डिलीवरी चार्जेस कोई नहीं है। 8600 रुपये में आपको प्राइस oa.pk वाले दे देते हैं। तो इस हिसाब से मैं बोलूँगा कि यहाँ से अगर आप रेटिंग वगैरह मोबाइल के आप दराज से चेक कर लें, कोई मसले नहीं, लेकिन अगर मोबाइल आपको बाय करना है तो मेरे ख्याल में प्राइस ओए भी आपके लिए बेहतरीन वेबसाइट है। मैं इसका लिंक भी आपको दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में, और दराज .pk का भी लिंक आपको दूंगा। तो जिससे भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ से बाय करें। मेरा काम है आपको हर चीज़ वाजे बताना कि किस में क्या मिल रहा है और किस में क्या नहीं मिल रहा। अभी और भी एक साइड और भी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाए। अच्छा जी, ये है wattmobile.pk, इसकी m.wattmobile.pk.com.pk ये वाली वेबसाइट है। अब इस पर देखें 8900 का है, इधर 8900 का मिल रहा है आपको प्राइस हो, इसे मिल रहा है 8600 का फ्री डिलीवरी, और दराज से आपको मिल रहा है 9700 रुपये का, 129 रुपये डिलीवरी चार्जेस के। अभी हम देखते हैं इसको। फिर रेटिंग देखें, यहाँ पे भी लोगों ने बोला है अच्छा। ये एक सेफ भाई ने जो है रिव्यू दिया है कि भाई ये सेट अपनी प्राइस के लिहाज से बहुत अच्छा है, नोकिया C1 से बेहतर है, उसमें 2500 MHz की बैटरी है और स्लो चार्जर है। अच्छा, 2500 MHz और 3500 MHz में फ़र्क क्या है आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि 2500 MHz मतलब ये होता है कि जितने कम मेगाहर्ट्ज़ होंगे उतनी जो है आपकी बैटरी की टाइमिंग कम होगी, तो इससे ये होता है। इसमें 3500 MHz है बेहतर, मैंने लिए है काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे 32 GB वाला फ़ोन चाहिए इसलिए बेच रहा हूँ। किसी ने 8000 का लेना है तो बता दे लाहौर में। तो इस तरह से आप भी रिव्यू इसमें सेंड कर सकते हैं। ये देखें, इसमें ये सिर्फ प्राइस वगैरह बता रहे हैं आपको वाट मोबाइल वाले। तो चले जी, मैंने आपको 3 वेबसाइट का रिव्यू करा दिया, जो आपको सही लगे आपने वहाँ से बाय करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल माई ग्राफिक्स को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नए सबक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।